बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 1 साल पुराना हो गया है, एक्सपायर किए हुए, या 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, तो उसको कैसे रिन्यूअल किया जाए, कितना पैसा लगेगा, ये सारा कुछ इसमें आ रहा था वीडियो के कमेंट में। तो मैंने सोचा कि एक लाइव डेमो आपको दिखाऊं कि आप कौन सा पोर्टल पे जा करके आप रिन्यूअल कर सकते हैं, कितना पैसा लगेगा, कैसे फीस काटेंगे, कहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सारा कुछ मैं सोचा कि आपको इस वीडियो में बता दूं। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ता है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है और उस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी भी अपने DTO में जा करके सबमिट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टेट में जो है वो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट में हैं वो अभी भी ऑफलाइन प्रोसेस में चल रहे हैं। तो हम लोग ले करके चलेंगे ऑफलाइन प्रोसेस वाला, क्योंकि हमारा जो झारखंड, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और झारखंड में अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने का प्रोसेस है और न्यू अप्लाई करने का प्रोसेस है वो अभी ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन इन द सेंस कि आप ऑनलाइन एंट्री कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और सारा पेपर को प्रिंट करके आप अपने RTO में ले जा करके जमा करेंगे, तभी जा करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल हो पाएगा या तो नया बन पाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा आपका पुराना जो ड्राइविंग लाइसेंस जो रिन्यूअल करना है वो उसका हार्ड कॉपी आपको ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता है RTO में, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उस टाइम में आपको। इसके बाद आपको ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, इस मेडिकल सर्टिफिकेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जहां आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूरत पड़ेगा एज ए ID प्रूफ के लिए। तो चलिए ज्यादा डिले किए बिना मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूं और वहां एक लाइव डेमो दिखाता हूं कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना पुराना एक्सपायर हो गया है, उनके लिए वो कैसे रिन्यूअल कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका रिन्यूअल हम लोग आज करेंगे। बहुत सारे लोग होता है कि अभी एक्सपायरी बचा हुआ होता है तभी वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल, 6 महीना, 3 महीना पुराना हो चुका है, वो मैं आज एक लाइव कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वायरी होगा तो आप वीडियो को कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमारा जो भी सोशल हैंडल्स है उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहां पे भी मैं ऑलवेज अपडेटेड रहता हूं। और ये फॉर्म का लिंक मैं सरकारी आदेश.com वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से जा करके आप इस फॉर्म का को डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले यहाँ पे फोटो लगा करके किसी भी सरकारी डॉक्टर से इसको आप वेरीफाई करवा लीजिए फिजिकल फिटनेस का, ताकि आपको सेम टाइम पे ये सारा कुछ अपलोड कर सके और सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग parivahan.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जा करके इसको ले सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद नीचे में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे drivers/learners license का एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे मोर का जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा, sarthi.parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ देखिए आपका स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के लिए देगा, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट का यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अप्लाई लर्नर लाइसेंस, अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल, बहुत सारा जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस भी सर्विसेस में काम है उस सर्विसेज को यहाँ पे जा करके आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे को अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है तो मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर DL रिन्यूअल पर क्लिक कर दूंगा।
क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या आप इस ऑप्शन में जा करके कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। मेरे को यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, वो मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि डाउनलोड फॉर्म 1A मेडिकल वाला, तो आप यहाँ से भी मेडिकल फॉर्म को जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी एक सरकारी डॉक्टर से ये सारा कुछ वेरीफाई करके रख लिया हूँ स्कैन करके। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दूंगा जिसका रिन्यूअल करना है। यहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। इधर कैप्चा पूछ रहा है, तो कैप्चा आप डाल दीजिए। इधर कैप्चा डालने के बाद गेट डीएल डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी डिटेल्स है, जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स जो ड्राइविंग लाइसेंस में डाला हुआ है, ये सारा कुछ आपका खुल करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे एक एक चीज वेरीफाई कर लूंगा कि क्या क्या मेरे को चेंज करना है और किस चीज को सर्विसेस को रिन्यू करना है। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विथ गियर का यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप केयरफुली स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे पूछ रहा है कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो यस, क्योंकि ये डिटेल्स मेरा है, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। कैटेगरी जनरल है। इसके बाद स्टेट यहाँ पे पूछ रहा बता रहा है, तो यहाँ पे स्टेट में इंटर ऑलरेडी स्टेट यहाँ सिलेक्टेड है। यहाँ पे आरटीओ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा रांची, जो भी आपका आरटीओ होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस का जो है ऑप्शन कम्प्लीटली खुल करके आ गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी इधर फिट कर दिया। इसके बाद ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो ब्लड ग्रुप जो भी होगा आपका वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो भी आपका डिटेल्स यहाँ पूछ रहा है वो डाल लीजिएगा। दूसरे केस में बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो सकता है, बहुत सारा ऑप्शन डिजेबल हो सकता है, क्योंकि जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था उस टाइम में क्या डिटेल्स था उसके आधार पर यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे आप एज पर रिक्वायर्ड आप अपना डिटेल्स को यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे आपका एड्रेस का, तो जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस को वेरीफाई कर लिया, इसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो मेरे को बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करना है और कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग पे यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक्ड है, मैं इस ऑप्शन को रहने देता हूँ। यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे खुल करके आ गया, इसको आप केयरफुली वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा ऑप्शन पे टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं ओके बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे अब मेरे को ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसको प्रिंट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड का जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी आपका एप्लीकेशन जो आपने फिल किया है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही आप फॉर्म 1 पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म 1A पे भी आप क्लिक करके ये मेडिकल वाला जो है फॉर्म, यहाँ पे आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है इसको। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एक्नोलॉजमेंट फॉर्म को भी यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए, ताकि आपका जो भी कंप्लीट फॉर्म है वो डाउनलोड हो सके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो भी फोटो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दूंगा।
सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ आप एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिएगा, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे मेडिकल अपना जो भी सर्टिफिकेट है, मैंने ऑलरेडी मेडिकल किसी डॉक्टर से करवा करके रखा है, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, देखिए यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे जो भी आपका पुराना एक्सपायर्ड जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी पुराना ड्राइविंग लाइसेंस था उसको भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके बाद देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज भी दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपसे फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने का ऑप्शन पूछ रहा है, बहुत केसेस में नहीं पूछता है। अगर आपका केस में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए प्रोसीड बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं अपना फोटो और सिग्नेचर को साइजिंग करके रख लिया है एज पर गाइडलाइंस। इसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दिया। तो देखिए इधर मेरा जो भी फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल्स करके ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा इंसर्टेड सक्सेसफुली फोटो भी हो गया, सिग्नेचर भी हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है पेमेंट के लिए, तो आप इसका जो भी पेमेंट है वो आप ऑनलाइन जा करके आप पेमेंट यहाँ पे पेड कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पेमेंट पे चलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपसे प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे गेट कैलकुलेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 400 रुपया का पेमेंट आ चुका है, 400 रुपया आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे एक साल अभी तक नहीं हुआ है एक्सपायर किए हुए, तो 400 रुपया लगता है। अगर एक साल से ज्यादा आपका एक्सपायर्ड हो गया है डीएल तो उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जीग्रास पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लिया, इधर आप कैप्चा डाल दीजिए। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। इसका प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जिग्रास वाले पोर्टल पे चला गया ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पे जो भी ई जिग्रास का आपका आईडी है यहाँ पे आप डाल लीजिए। ये हर एक स्टेट में वेरी कर सकता है, बहुत सारे स्टेट में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से पेमेंट का ऑप्शन देख लीजिएगा। SBI का जो पेमेंट गेटवे का पोर्टल है वो यहाँ पे आ गया। आपको जो भी लगता है इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भीम UPI से पेमेंट करने वाला हूँ। इधर मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप जो भी पेमेंट का स्लिप है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि ये स्लिप जो है ये आपको RTO में जमा करना पड़ सकता है। इसके बाद होम बटन पर क्लिक कीजिए। तो ये प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का। बस अब आपको जितना भी मैंने ये आपको डॉक्यूमेंट सेव करके दिखाया है इन सबों का प्रिंट आउट ले करके साथ में आपको आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस डालना होगा, और ये आपको मेडिकल जो है पेपर, ये सारा पेपर आप ले जा करके RTO में अपना जमा कर दीजिए, एक लिफाफा में पैक करके अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। तो 15 से 45 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो करके आपके घर तक पहुंच जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप वीडियो को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।